हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू KoVidG। आई एम वेरी हैप्पी कि स्टूडेंट्स को हमारी टाइम टेबल वाली वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। वेल आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइज कैन चेक इट आउट। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बट उस वीडियो से भी पहले आई थिंक दिस वीडियो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। गाइज, जिस तरह एक व्हीकल में पीरियडिकली फ्यूल डालने से वो बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता है, उसी तरह पीरियडिकली मोटिवेशन की डोज से स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई की हैबिट्स को स्मूथली बिना किसी रुकावट के चला सकते हैं। आई नो ऐसा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो शुरुआत में तो बहुत डेडिकेशन से अपना स्टडी टाइम टेबल फॉलो करते हैं, बट थोड़े दिनों में ही स्टडी शेड्यूल स्किप होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ मोटिवेशन, बट डोंट वरी, KoVidG आपकी इस प्रॉब्लम को भी मिनटों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, नेपोलियन ने एक बार कहा था कि इंसान जो भी माइंड में इमेजिन कर ले और उस पर विश्वास कर ले तो वह लाइफ में ज़रूर उसे पा लेता है। तो अगर आपने भी माइंड में इमेजिन कर लिया है कि आपको भी 90% से अबव लाना है, अपने आप को टॉपर्स की लाइन में शुमार करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो बिलीव मी गाइस, यू कैन डू इट। आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनकी अभी तक 50 to 70% के बीच में ही आती है। यू ऑल नो दैट 10th और 12th लाइफ में एक ही बार आता है। अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में डेली मोटिवेट रहो तो एक काम डेली करना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये काम करता है। रोज 2 मिनट के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर मन में बोलना है, आई कैन डू दैट, आई कैन ऑल्सो बी द बेस्ट, आई एम नॉट बॉर्न जस्ट टू रिमेन एन एवरेज पर्सन, आई विल बिकम अ टॉपर, आई एम अ टॉपर। ऐसा बोलने से क्या होगा? अगर आप खुद पर बिलीव करते हो तो एक कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी, एक ऐसी एनर्जी जिसको पाकर आप इतने मोटिवेट हो जाओगे कि उसके बाद आपको अपनी आंखों के सामने सिर्फ अपना गोल दिखाई देगा। बहुत बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि पढ़ाई करते समय आलस आती है और नींद भी आती है। वेल, उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपको जब भी पढ़ाई करते समय लेजीनेस फील हो, उसी समय अपनी बुक को बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए कोई भी फिजिकल वर्कआउट कीजिए। वैसे स्किपिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर इट। आप जॉगिंग और डांस भी कर सकते हैं, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी डेवलप होगी, यू फील एनर्जेटिक एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडीज़। खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट पढ़ाई के आवर्स हमसे स्किप ना हो सके। जिस दिन से आप अपनी पढ़ाई को अपने पार्टीज और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने से ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे, उसी दिन से आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही खुद से प्रॉमिस कर लीजिए दैट आई विल नॉट जस्ट रीड और मेमोराइज द प्रिंसिपल्स दैट लीड टू सक्सेस, रादर आई विल अप्लाई देम इन माई लाइफ। आई विल डेफिनेटली फॉलो द टाइम टेबल ऑफ माई स्टडीज बिकॉज आई विल बी अ टॉपर, आई एम अ टॉपर। आई होप गाइज दिस वीडियो will definitely motivate you to continue with your study timetable. I'll be back soon with some more interesting and amazing stuff for you. Till then, be happy, be educated and never stop learning.